such classes by Shelly and then you get the free videos of your classes. तो चलिए start करते हैं अपना. आज मैं बता दूं, आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास सिक्स के लिए है. क्लास सिक्स का आज हम मैथ्स का करेंगे. मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नोइंग योर नंबर्स, नोइंग आर नंबर्स, कि हमें अपने नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, जैसा कि हम फिफ्थ से मूव कर रहे हैं सिक्स की तरफ, तो हमें जनरल जो चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए. जिस तरीके से कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी चीज की, ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट क्या होती है. क्लियर है? तो इन सब चीजों को, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सारी क्या है उसको जस्ट रिवाइज करना है हमको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा नोइंग आर नंबर्स, अपने नंबर्स को जानना. दिस इज आवर मैथ्स फर्स्ट चैप्टर क्लास सिक्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन में देखते हैं. काउंटिंग इज इजी फॉर अस नाउ, बहुत इजी हो गई है. किस वजह से? वी कैन काउंट द ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर क्लास हम काउंट कर लेते हैं. ठीक है, कोई भी चीज होती है, बाजार में जाते हैं, आसानी से मोल भाव कर लेते हैं. तो मैथ्स का मतलब क्या है कि इजीली किसी चीज को हम जो डेली लाइफ में है उसको यूज कर सके मैथ्स को. ठीक है, चाहे वो हमारे बाहर जाके बाजार मार्केट से सब्जी लाना हो, या अपने घर पर, या क्लासरूम में, या फिर अपनी सोसाइटी में किसी भी तरह की काउंटिंग्स हो. जैसे आप बाहर मार्केट जाएंगे कोई चीज लेने, 10 रुपए लेके गए आप, तो आपने वहां पे 5 रुपए का या 6 रुपए का कोई भी सामान खरीदा. अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है मैथ्स के बारे में कि मुझे इतने का सामान लिया, इतने मैंने दिए थे और इसमें से अब मुझे कितने वापस मिलेंगे, तो ये सब चीजें मैथ्स का आपको अगर नॉलेज होगी तभी आप कर पाएंगे. ठीक है, तो इस सब मैथ्स के कारण ये सब चीजें काफी इजी हो गई है. देखिए, मैनी थाउजेंड ईयर अगो, पहले बहुत हजारों साल पहले, पीपल न्यू ओनली स्मॉल नंबर्स, छोटे नंबर उनको पता होता था. ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू हैंडल द लार्ज नंबर, और धीरे धीरे उन्हें पता चलने गया कि किस तरीके से बड़े नंबर्स को भी हैंडल करना है. नंबर्स क्या है? सिंपली दे आर द सिंबल्स. ठीक है, ये क्या है आपके सिंबल्स हैं. लार्ज नंबर इन द सिंबल्स लिखने शुरू किए. ऑल दिस केम फ्रॉम द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और ये किन्होंने ही करे हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग ने ही डिस्कवर किए. जैसा कि हमने मैथ्स में पढ़े हुए अपने नेचुरल नंबर, पता है आपको क्या होते हैं नेचुरल नंबर? ठीक है, और कौन से नंबर होते हैं? दो, एक होता है होल नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? 1, 2, 3 और सो ऑन 9 तक. ठीक है, दीज आर आर नेचुरल नंबर्स. ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स है. होल नंबर में हमारा क्या आ जाता है? होल नंबर में हमारी जीरो इंक्लूड हो जाती है बेटा. क्यों? नेचुरल नंबर में जीरो क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जीरो को डिस्कवर्ड किया था किसने? आर्यभट्ट ने. क्लियर है? इसीलिए आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि जो नेचुरल नंबर थे होते हैं हमारे वो 1 to 9 होते हैं, और जो हमारा होल नंबर है उसमें जीरो इंक्लूड हो जाती है, तो 0 to 9 होते हैं. तो क्लियर है? आप पेंसिल और अपनी कॉपी लेके बैठेंगे, नेचुरल नंबर और होल नंबर की डेफिनेशन आप लिखेंगे. ठीक है, चलिए. ये सब पैराग्राफ हमारे यूज का नहीं है जो हमारे इसमें आएगा. सिंपली अब हम सम्स की तरफ चलते हैं अपने. चलिए, अब हमने नंबर्स तो देख लिए थे. ठीक है, हमने नंबर्स कहा कि हमारे नंबर्स 0 से स्टार्ट हुए, होल नंबर, और कहां तक गए? 9 तक. ठीक है, कहां तक गए? 9 तक. नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट हुए? 1 से स्टार्ट हुए और 9 तक गए. ठीक है, तो ये तो हमारे होल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है. तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल और होल नंबर, पहली बात. तो दूसरा आप देखते हैं, देखो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट आप मुझे बता सकते हो क्या है? 1. क्यों? क्योंकि फिर आगे क्या है, बढ़ते जा रहे हैं. 2 है 3 है 4 आएगा, 5 आएगा, और सबसे लास्ट में एंड क्या हो रहा है? सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? 9. ठीक है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 9 हो गया. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा देखो इसमें क्या दे रखा है, कंपेयरिंग द नंबर. अभी आपको नंबर दे रखे हैं 92, 392, 4456 और 89,742. तो इसमें कह रहा है कि ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट बताना है कि कौन सा है. देखो पहले ये 90s में था, ये 10 के प्लेस पे, उसके बाद ये 100 में आया, फिर 1000 में आ गया, और फिर किसमें चला गया? 10,000 में. हमने प्लेस वैल्यूज पढ़ी हुई हैं, प्लेस वैल्यूज पीछे से स्टार्ट होती हैं, दैट इज वंस, फिर क्या आता है हमारा? टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, देन लैक, देन 10 लैक, देन करोड़,
देन 10 crores. ठीक है, इतना अभी हमें याद होना चाहिए इस सीक्वेंस. ये प्लेस वैल्यू है. प्लेस वैल्यू क्या होती है कि किसी भी डिजिट की प्लेस की जो वैल्यू है, कि मतलब वो डिजिट कहाँ पर है, जिस भी प्लेस पर है वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 8 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8 की प्लेस वैल्यू आप बता सकते हो कौन से प्लेस पे है. वंस, टेंस, हंड्रेड. तो कौन से प्लेस पे है ये, हंड्रेड. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 800. इस तरीके से प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हो. क्लियर है. अगर यहाँ पे मैं 7 लिख दूं, तो 7 का प्लेस देखो पीछे से काउंट कर लो क्या होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. तो क्या हो गया इसका, 7000. तो ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू. ठीक है, अब चलते हैं दूसरा. एक और हमारी आती है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू क्या होती है बेटा, फेस आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, हमारा फेस है. ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहता है. वो अलग बात है कि आप इस पर मेकअप वगैरह कर लेते हो, कहीं बाहर जाते हो, लेकिन फेस तो वही रहता है ना. तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हो, जो फेस वैल्यू होती है वो हर डिजिट की अपनी वही होती है जो उसका फेस होता है. ठीक है, मान लीजिए 9 है, कहीं पर भी किसी भी प्लेस पे लिखा हुआ है, 1000 के प्लेस पे लिखा हुआ है मान लीजिए 9. अगर आपसे इसकी फेस वैल्यू पूछी जाती है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी फेस वैल्यू 9 ही होगी. जो इसका फेस है वही इसकी फेस वैल्यू होगी. तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू वो होती है जहां पर डिजिट होता है, जहां जिस प्लेस पर होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड पे है, तो 9000 क्या हो गई इसकी प्लेस वैल्यू हो गई. ठीक है, और इसकी फेस वैल्यू क्या होती है, फेस हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई ना तो कुछ चीज ऐड होती है ना कुछ माइनस होता है. तो एज इट इज उसकी फेस वैल्यू एज इट इज रहती है. क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं. एक और इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें एक्सरसाइज दे रखी है कि आपको कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो. हमें इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट. सबसे स्मॉलेस्ट पता करना है हमें. तो देखो यहीं से पता चल रहा है 2 डिजिट है 18, मतलब 1s और 10s तक ही जा रहा है. तो सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट इसमें क्या हो सकता है, 18. ठीक है, लार्जेस्ट देखोगे आप, लार्जेस्ट क्या होगा देखो, 18, 10 के बाद 100 वाला है. ठीक है, 100 वाले के बाद आपका दो है, 100 वाले देखो 300, एक 750. तो 300 आ जाएगा, फिर उसके बाद 750, फिर जाएंगे 1000 पे, 1000 में देखिए 4000 आ रहा है, उसके बाद है 10000 देखो 59 वाला. तो सबसे बड़ा कौन सा है, 10000 वाला. तो सबसे बड़ा इसने लिख दिया, 59000 इज द ग्रेटेस्ट एंड 18 इज द स्मॉलेस्ट. तो क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसी का सम करते हैं हम लोग. हम लोग करते हैं ये थर्ड वाला करते हैं. ठीक है बेटा, तो चलिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, देखिए 100 वाले सबसे छोटे हैं. अब 100 वाले भी क्या है, दो हैं. तो आप इसमें देखो 100 वाला ज्यादा छोटा होगा या 400 वाला, कौन सा होगा, 100 वाला. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट निकल गया हमारा, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ये वाला. ठीक है, 111 वाला. उसके बाद हमारा कौन सा हो गया सेकेंड नंबर पे, 450 वाला. अब हम किसको देखेंगे, कोई 1000 वाला तो नहीं है, 100 तक हम आ गए हैं, 1000 में भी मिल गया हमें 1834. तो थर्ड नंबर पे हमारा ये होगा. ठीक है, फोर पे देखेंगे, देखो एक और है 1000 वाला, 2300. तो ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा. ठीक है, अब लास्ट में बचा 10000 वाला, 75000. तो ये लास्ट में आ जाएगा. ठीक है, अब आपको सारे सीक्वेंस वाइज मिल रहे हैं, आपका सबसे स्मॉलेस्ट भी मिल गया हमें और सबसे लास्ट वाला भी मिल गया. लेकिन अगर आपको, जैसे हमने क्लास 5 में अरेंजिंग डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स जो पढ़े थे, अगर आपसे वो भी पूछा जाए तो क्या हम कर नहीं सकते इसमें, बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, हमने सारे निकाल लिए इनको, हम चलो ये तो हमने कर दिया कि स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारा, 111, और लार्जेस्ट कौन सा है, 75000. क्लियर है. अब इसमें अगर आपसे बोल दिया जाए कि इनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में जैसा हमने बताया, सबसे पहले 1 आएगा आपका 100, उसके बाद कौन सा आएगा, 450 आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, 1800 वाला आएगा, उसके बाद 2000 वाला आएगा. समझ रहे हैं हम, इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते जा रहे हैं. ठीक है, उसके बाद 2000, और लास्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा, 75000 वाला. ठीक है, अब हमने सारा लगा दिया. अब इसी को आपको रिवर्स वो बोले इसी क्वेश्चन में कि आपको डिसेंडिंग में लगाना है. तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है जैसे सबसे ग्रेटेस्ट से हम स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं. ठीक है, असेंडिंग में हम ऊपर चढ़ते हैं, मतलब सबसे नीचे से ऊपर की तरफ, और डिसेंडिंग में हम नीचे आते हैं, मतलब सबसे बड़े से
छोटे की तरफ, ठीक है। तो इसका क्या हम डिसेंडिंग नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले डिसेंडिंग में हमारा 75 आएगा, उसके बाद ये आएगा 2000, फिर 1000, फिर 400 और लास्ट में 111। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग का भी, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का भी। तो यहाँ पे हमने चार कंसेप्ट अपने क्लियर किए, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और अपना ग्रेटेस्ट वाला, स्मॉलेस्ट वाला, अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। क्या हम ट्राई दिस में नहीं कर सकते एक्टिविटी? बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट देखिए, इसमें देखो सारे 1000 में लगे होंगे, ठीक है। अब सारे 1000 में भी क्या है, सारे 4000 है, तो इस 4000 को तो छोड़ दो। अब किस पे आते हैं हम, 500 पे, 100 वाले प्लेस पे। तो 100 में सबसे छोटा देखो कौन सा है, 370 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो यही हो गया, ठीक है। अब 100 में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है हमारा 800, तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो गया हमारा, दिस वन। अब क्या हम इसको अरेंज कर नहीं कर सकते अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग में? बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट पे 300 हो गया, उसके बाद 400 हो गया, उसके बाद 500 हो गया, देन लास्ट में हमारा 800 हो गया। तो इस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, और उनको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारे हैं, चलो इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, यस अब ठीक है। अब है हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक विद आर सिंपल डिजिट्स। इन सिंपल डिजिट्स को यूज करके हम किस तरीके से बड़ा नंबर और छोटा नंबर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो देखो, फोर डिजिट हमें कैसे पता चलेगा? आपको डिजिट ही कितनी दी गई होंगी बेटा, फोर दी गई होंगी। तो अगर आपको फोर डिजिट की बनाने की कह रहा है, तो आपको कोई भी फोर डिजिट दी गई होंगी, उनसे आपको ग्रेटेस्ट भी बनाना है और स्मॉलेस्ट भी बनाना है। इसमें सिंपल एक रूल याद रखिए, ठीक है। जब आप ग्रेटेस्ट बना रहे हैं, जब आप क्या बना रहे हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट बना रहे हैं कितने भी नंबर की, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक रूल याद रख लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या यूज करना है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर आप स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो आपको कौन सा ऑर्डर यूज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। इससे आप आसानी से अपने क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन के उसमें देखते हैं, इसको समझते हैं एक बार। मान लीजिए हमारे पास डिजिट है 97, 9741, क्लियर है, 9741, दिस इज द डिजिट। अब इससे हमें कहा जा रहा है कि आप इसको क्या करो, इन डिजिट से कॉमे है, इनके बीच में डिजिट आई है, ठीक है, हमने इनको नंबर बना लिया, डिजिट है ये, ठीक है। तो इन डिजिट्स का हमें क्या करना है बच्चों, स्मॉलेस्ट बनाना है और ग्रेटेस्ट बनाना है। तो मैंने क्या बताया, स्मॉलेस्ट बनाते हैं, स्मॉलेस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले छोटा, सबसे पहले छोटी डिजिट कौन सी है हमारी, वन, उस देन फिर फोर, अब कॉमे नहीं लगाने क्योंकि हमें नंबर बना रहे हैं हम लोग, देन सेवन एंड देन लास्ट ग्रेटेस्ट 9, ठीक है। तो दिस इज आवर स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच वी मेक बाय यूजिंग दिस डिजिट, जो हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया है इन डिजिट्स को यूज करके, क्लियर है। कुछ नहीं करा हमने इसमें, सिंपल इन नंबर्स को क्या कर दिया हमने, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, ठीक है। चलिए ग्रेटेस्ट बनाते हैं, ग्रेटेस्ट आई होप आप समझ पाएंगे। अब इसका ग्रेटेस्ट बनाते हैं, ग्रेटेस्ट में बच्चों हम क्या करेंगे, मैंने बताया जैसे कि आपको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा 9, उससे छोटा 7, देन 4 and then last में 1. This is our descending order and this we make the greatest digit by using these digits. ठीक है, ये हमने पूरा number बना लिया है, greatest number बनाया है इन digit को use करके। तो क्या आप किसी भी digit को use करके numbers नहीं बना सकते ascending और descending का funda use करके? अगर हमारा concept असेंडिंग का और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्लियर है तो हम उसमें अपना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बना सकते हैं। आपको कोई भी डिजिट दे रखी हो, 3 की 4 की 5 की, आप उनको यूज करके उसमें फंडा असेंडिंग का और डिसेंडिंग का रूल अप्लाई करके आप उसको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बना सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब एक और चीज आपके दिमाग में घूम रही होगी, मैडम जीरो का क्या करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो चलो जीरो को भी देख लेते हैं भैया, एक दे रखा है जीरो वाला ले लेते हैं, जीरो वाला लेते हैं 4750, ठीक है ये ले लिया हमने। अब इस जीरो वाले से कैसे करेंगे बच्चों,
इसका देखते हैं। जीरो आप ऐसे मत कर देना कि पहले हमने जीरो ले ली, जीरो सबसे छोटी है तो पहले जीरो लगा दी, ना बच्चों, जीरो हमें पीछे ही लगानी है लास्ट में। केवल अब हमें किसको कंसीडर करना है, इन तीन नंबर को कंसीडर करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसकी स्मॉलेस्ट बनाना चाह रहे हैं तो वही इन तीन नंबर को ही करना है और जीरो लास्ट में ही रहेगी। क्या बोल रही हूँ मैं, जीरो आपकी लास्ट में ही रहेगी, क्लियर है। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला कौन सा है, फाइव, तो सॉरी फोर है सबसे छोटा, देन फाइव, देन सेवन, देन जीरो। इज इट क्लियर, क्लियर है आपको? तो ये हमारी क्या बन गई, स्मॉलेस्ट डिजिट, ठीक है। जीरो को कंफ्यूज नहीं होना है, जीरो आपको यहाँ नहीं लगा देनी है कि यहाँ सबसे पहले जीरो, फिर सेवन, फिर फाइव और फिर सेवन, ठीक है। इस तरीके से ये गलत हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या होगा हमारा, 4570 मिलेगा, क्लियर है। चलिए तो इसका, इसकी हम क्या बनाते हैं, ग्रेटेस्ट बनाते हैं। चलो ग्रेटेस्ट इसमें क्या होगा हमारा, देखो क्या करेंगे, इन तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगेंगे। सबसे पहले बड़ा सेवन, देन उससे छोटा फाइव, देन उससे छोटा फोर और लास्ट में हमारी जीरो, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए 7540 इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी डिजिट मेकिंग, क्या हमें पता चल गया कि हमें कैसे अपना ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और कैसे स्मॉलेस्ट बनाना है। तो आप ये सारे किसी तरीके से कर सकते हैं। ये तो फोर डिजिट की थी, मान लीजिए अगर आपको फाइव की दे दे तो क्या हम नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, अगर सिंपली हमसे पूछ ले कि हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है, जैसे आपको बताया वन और जीरो, और लार्जेस्ट कौन सी होती है, नाइन होती है, बड़ी कौन सी होती है, नाइन। तो अगर आपसे पूछे ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर तो वो कौन सी होगी आपकी, ट्रिपल नाइन। तीन की पूछा है तो तीन बार नाइन, फोर की पूछा है तो फोर बार नाइन, क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट पूछा है तो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फोर डिजिट पूछा है तो चार डिजिट होनी चाहिए आपकी बच्चों। तो दीज आर द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट, ये भी हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखो आप, हमारे पास टू डिजिट की है ये, ठीक है, क्या है ये, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर है। अगर मैं इसमें वन ऐड कर दूं बच्चा, अगर मैं इसमें वन ऐड कर दूं तो क्या ये थ्री डिजिट की स्मॉलेस्ट नहीं बन जाएगी, बताइए, बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ये भी चीज ध्यान रखिए, अगर किसी डिजिट की ग्रेटेस्ट में हम वन को ऐड कर देते हैं तो वो नेक्स्ट डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है, क्लियर है आपको। जैसे मैंने क्या किया, टू डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिए और उसमें वन प्लस किया जब, तो वो नंबर क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर वो बन गया, क्लियर है आप सबको। आई होप आपको इतनी सब चीजें क्लियर हुई होंगी और जितने भी ये सम्स हैं इससे रिगार्डिंग ये आप सब करेंगे, ठीक है। टॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इसमें बता सकते हो आप, 160 इसमें लगा सकते हो ना, सबसे छोटा बड़ा कौन सा है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 160, उससे छोटा 159, देन 158, देन 154, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग हम कर चुके हैं, सारा अरेंजमेंट इनका कर चुके हैं, ये सब आप खुद करेंगे घर पे बच्चों, ठीक है, ट्राई करेंगे। तो आज के लिए हम मैथ्स में इतना ही करते हैं। एक्सचेंज नंबर हम लोग कर चुके हैं कि किस तरीके से हम एक्सचेंज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ये भी हम लोग कर चुके हैं, देखो ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में अगर हम वन प्लस करते हैं तो वो नेक्स्ट की क्या बन जाती है बच्चों, स्मॉलेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट टू डिजिट में हमने वन ऐड किया था ना बच्चों, तो वो क्या बन गया था, थ्री डिजिट की स्मॉलर। तो हम यहां तक कर चुके हैं अपने पेज नंबर फाइव तक, ठीक है। नेक्स्ट में हम प्लेस वैल्यू कर चुके हैं बच्चों, ठीक है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसके क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। यहां तक हमारा ये सब कंप्लीट हो चुका है, ये सारा आप खुद लिखेंगे इनको, ठीक है, इनको ट्राई करेंगे घर पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको मैथ्स के लिए इतना ही, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, ओके गुड बाय, थैंक यू।